सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर हमने आपकी पहली वीडियो बनाई थी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी थी। हम कुछ महिलाओं के कमेंट आए कि विकास भाई हम घर से घर पर बैठे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ठगी का शिकार आजकल चल, मतलब आजकल जो ऑनलाइन है सर बहुत ज़्यादा ठगी चल रही है, तो ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग आप मतलब क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सर देखिए, एक रिटेलर है आपके वहाँ का, जो भी आपके व्यूअर्स है, अगर वो पहले से बिजनेस कर रहे हैं जी, तो कोई इशू नहीं है सर जी। आप ऑनलाइन बैठे भी हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, जब तक कपड़ा आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं सर। इंश्योरेंस थोड़ा विस्तार से बताइए जी। इंश्योरेंस ऐसा है, मैंने आपको, आपने मुझे पैसा दिया जी, मैंने आपको यहाँ से माल भेजा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, पार्सल आपका चोरी हो गया, हाँ। या आग लग गई ट्रक के अंदर, पार्सल जल गया, हाँ। या तो मैं आपका पैसा वापस दूंगा जी, नहीं तो आपको दूसरा माल भेजूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से मेरे से क्या चाहते हैं जी, जी। ठीक है, ये हो गई ऑनलाइन की बात। ऑफलाइन में आप आके यहाँ लेते हैं तो भी सेम कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट को अगर माल जाएगा तो इंश्योरेंस करके ही जाएगा। देखिए मैं अपने पास से पैसा नहीं देता हूँ सर, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, लेकिन उसको क्लेम सेटल होने में 6 महीने लगते हैं। लेकिन हम अपने कस्टमर को बिल्कुल परेशान होना नहीं देते हैं, इमीडिएट उसका निकाल देते हैं। अच्छा, या तो पैसा देते हैं, नहीं तो उसको वापस उसका दूसरा माल देते हैं जी। अगर ये बात हो गई जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप विजिट करें यहाँ, सब चीज यहाँ आके देखे, तभी तो अच्छा लगेगा। हाँ, पता लगेगा हम कैसे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हो या आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर नया कर रहे हैं तो आप विजिट कीजिए यहाँ आइए। सूरत कोई दूर नहीं है सर, ट्रेनें सब जगह से चलती है, फ्लाइट सब जगह से आजकल चलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया साधन हो गए हैं अवेलेबल, तो आप आइए विजिट कीजिए, फिर देख के जितनी मर्जी हो उतना लिख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर जैसे कि हम बेसिकली हरियाणा से आते हैं जी, अच्छा अपने इधर बिहार में तो साड़ियाँ चलती हैं जी, तो अपना ये सूट सलवार का क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग प्राइस कितने से है? बिल्कुल सर, आप जैसे हरियाणा से आते हैं, आपका चैनल देखने वाले तमिलनाडु में भी होंगे, बिल्कुल यूपी में भी होंगे, वेस्ट बंगाल में भी होंगे सर। ये चीज की खास बात हमारे यहाँ है कि हम प्रोडक्ट अपने कस्टमर को, जो आप रिटेलर हैं, हम उनको उनके एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट देने के अलावा उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं सर। अच्छा, आप हरियाणा से तो हरियाणा हिंदी तो चलो ठीक है, समझ में आती है, ज्यादा गैप नहीं रहता है। लेकिन अब तमिलनाडु से कोई आया है वो तमिल बोलता है तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा सर आपके मेरे, तो हम तमिल की लैंग्वेज वाला भी बंदा रखते हैं, वो उनको तमिल में समझाएगा, और उनके एरिया के अंदर जो टेस्ट चलता है, जो साड़ी वहाँ चलती है या जो प्रोडक्ट वहाँ चलता है, वही प्रोडक्ट उनको देगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में साड़ी थोड़ी कम चलती है सर, सूट ज्यादा चलते हैं, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा के अंदर सूट ज्यादा चलते हैं, तो सूट पीसेस को हम वो उनको सूट पीसेस का कलेक्शन ज्यादा देंगे, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया कर रहे हैं तो हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि आपके एरिया में क्या बिकने वाला है। अच्छा जी, बहुत सारी समस्या आती है क्योंकि हमने भी काफी वीडियोस बनाई हैं जी, और शुरू शुरू में तो मतलब लंबी लंबी लोग फेंक देते हैं, मैं देखिए दिल से साफ बात करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल, सही बात है। पहले तो पैसे ले लेंगे, चाहे वो महिला हो या कुछ भी हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, पैसे ले लिए, 50,000 रुपए हमारे खाते में डलवा दो, हम कपड़ा भेज देंगे, कुछ भी भेज देंगे, बाद में स्टाफ उनका फोन भी नहीं उठाता जी जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कितने दिन में उनको कुरियर? सर देखिए, डिलीवरी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैक्सिमम, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह है वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, 15 दिन लग जाते हैं जी, जी। बाकी कोई भी एरिया हो 7 से 10 दिन के अंदर डिलीवरी पहुँच ही जाती है। अब जैसे इंदौर वगैरह है तो ये बहुत नज़दीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे कपड़ा पहुँच जाता है सर। अच्छा, अच्छा। तो एरिया पे डिपेंड करता है। और रहा सवाल आपने जैसा बताया कि पैसा ले लेते हैं और फिर देते नहीं है, सर हमारा 30 साल का कैरियर है, आज तक कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता है कि अजमेरा फैशन में किसी ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर एक आदमी के साथ करोगे ना तो वो पता नहीं कितने लोगों से मिलता है और उससे मार्केट खराब होती है। सर एथिक्स के साथ चलते हैं, नीति नियम और सिद्धांत का पूरी तरीके से पालन करते हैं,
ईश्वर गलती से भी, विचारों में भी हमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना या विचार भी कोई गलती से किसी के प्रति गलत हमारे अंदर नहीं आ जाए, ऐसी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं सर। और इसीलिए शांति से आज सो पाते हैं, शांति से बिजनेस कर पाते हैं और शांति से रह पाते हैं। नहीं तो इतना बड़ा नेटवर्क लेके लोग आप बोलते हैं कि अभी आपने ही सवाल पूछा था पहले वीडियो में मेरे से कि भी सर इतना आप रिलैक्स होके कैसे ये सब कर लेते हैं। सर सुबह घर से निकलता हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि भाई ईश्वर हो सकता है काम ज़्यादा है, आज मैं आपको भूल जाऊँ पर तू मुझे मत भूल जाना। जी सही बात। और रात को शांति से जाके बिस्तर पे सोने से पहले ये बोल के छोड़ देते हैं कि भगवान मेरी जितनी शक्ति थी, मेरी जितनी श्रद्धा थी, मेरी जितनी हिम्मत थी, उतने परिश्रम से उतनी लगन से मैंने अपना पुरुषार्थ कर दिया है, अब जो तेरे को देना हो तेरी इच्छा है, और आराम से सो जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत शांति की नींद आती है सर। तो गलत किसी का नहीं करते हैं, न कभी आज तक किया है और न फ्यूचर में कभी है। आप किसान के लड़के, क्योंकि बेसिकली जो हमारा चैनल है वो किसानों से रिलेटेड ही है। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या क्या परेशानी आई सर? देखिए तो बिल्कुल किसान एक हमारे देश के जवान जी। और हमारे देश के किसान ये दो लोग ऐसे हैं सर जी। एक हमारी बाहरी सुरक्षा करते हैं जी। जो जवान है देश के जी। और किसान जो है वो हमारी आंतरिक सुरक्षा करते हैं, हमें अच्छा खाने को मिले इसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। और मुझे बताते हुए गर्व होता है सर, मेरे पापा किसान हैं, मैंने खुद ने हल चलाए हैं सर। अच्छा, खुद ने हल चलाए हैं? बिल्कुल जी, जो वो एक निनान ज़्यादा देखो मैं नहीं रहा हूँ खेतों में, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं भी जाया करता था। वो जो निनान बोलते हैं तो निनान भी किया करते थे, एक्स्ट्रा घास जो आ जाती थी वो सब भी मैंने किया है। ऊँटों से हल भी चलाए? ऊँट से नहीं, हमारे यहाँ उस समय वो शिकर से भैंसा जो होता है ना, भैंस के पीछे सिंगल हल लगा दिया करते थे, उससे चलते थे। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हमारे यहाँ सर, अभी भी ऐसे चलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो आजकल ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं। आज भी पापा के साथ मैं जाता हूँ, वो जो एक सिस्टम होता है ना, वटाऊ बता देते हैं पार्टनरशिप में किसी को। 100 बीघा जमीन है हमारी राजस्थान में, आज भी वहाँ जमीन पे खेती होती है सर। पापा के साथ जाता हूँ, हिसाब किताब करके आता हूँ कंप्लीट। तो सर किसान लोगों को भी सैल्यूट है, वो लोग हमें खाने को उन लोगों की वजह से ही मिलता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, तो कभी भी देश के साथ, हमारे देशवासियों के साथ या किसी के साथ भी गलत तो हम कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।